Hello, dear kids. It's time to rock. ये समय है सबको दिखा देने का that you are number one. You are Udian. देखो तुमको पता है कि तुम number one हो, मुझको पता है कि तुम number one हो, लेकिन ये समय है पूरी दुनिया को दिखाने का कि तुम और हम दोनों number one है और बता देने का क्यों पड़े हो चक्कर में. कोई नहीं है टक्कर में. लीग चैंपियनशिप इज ऑन द वे. यस, 20th नवंबर को लीग चैंपियनशिप का सबमिशन है. एंड द बेस्ट पार्ट दिस टाइम इज दैट ये 3 rounds में हो रही है. मींस हमको बार बार अपने आप को करेक्ट करने का मौका मिलेगा. फर्स्ट ऑफ ऑल ये लीग चैंपियनशिप हो रही है क्वालिफायर राउंड, मतलब पहली बार जो हम सबमिशन करेंगे विल बी क्वालिफाइंग. एंड इफ वी क्वालिफाई, जो मुझे पता है सब क्वालिफाई करेंगे, जो पार्टिसिपेट करेगा ही इज गोइंग टू क्वालिफाई. सेकेंड, इफ यू क्वालिफाई यू विल बी रीचिंग टू सेमीफाइनल्स, जो जोन लेवल पे होंगे लाइक यूपी, उत्तराखंड, हिमाचल, हरियाणा, ऐसे लेवल्स पे होंगे एंड वील गेट द टफर कॉम्पिटिशन. बट आई नो यू कैन बीट दैट. एंड वेन यू क्वालिफाई सेमीज विल रीच टू फाइनल्स. इंडिया लेवल पे वी आर गोइंग टू रीच दिस टाइम. And no, you can beat everyone who so ever he is. किसी भी शहर से हो, किसी भी स्कूल से हो, आपसे आगे कोई नहीं है. I know that. और वो कॉम्पिटिशन होगी ऑन स्टेज, ऑन लाइट, कैमरा एंड एक्शन. और मुझे पता है आपको ये सब आता है. कहां होगी? इट माइट बी देर इन दिल्ली ऑन बिग स्टेज, इट माइट बी देर ऑन बैंगलुरु ऑन बिग स्टेज, एंड वील टेक यू देर, डोंट वरी. और अगर वहां पर जीतते हैं then you will be getting exciting gifts like winners will get laptop and runners will get tablets and many more things. And मुझे दिखा देना है. मुझे जब मैं बोलता हूं तो मैं अपने और आपको मिला के बोलता हूं कि मुझे दिखा देना है. कोई भी नहीं है जो फाइनल्स को जीतेगा. जीतेंगे तो केवल यूडियंस. अब बात करते कॉम्पिटिशन में होना क्या है. ये 4-3 levels में डिवाइडेड है. नंबर वन इज फॉर ग्रेड वन एंड ग्रेड टू. यहां पर आपको क्या करना है, यू हैव टू मेक अ पोएम, मेक अ वीडियो ऑफ द पोएम. वीडियो बनाना आता है, लाइट कैमरा एक्शन में बहुत परफेक्ट है, राइट. सो एक वीडियो बनाना है, ब्यूटीफुल सी पोएम का रिकॉर्ड करनी विद ऑल द प्रॉप्स पॉसिबल, ऑल द क्रिएटिविटी पॉसिबल. क्रिएटिविटी बहुत जरूरी है बिकॉज वी आर नोन फॉर द क्रिएटिविटी. पूरा क्रिएटिविटी के साथ एक वीडियो बनाना है एंड पोस्ट कर देना. कहां बताएंगे आपको. अगर आप 3-5 में, then you have got 2 options. क्या options है? First, you can do science and second, you can do English. अब अगर English में है तो हम क्या करना है? It's a very creative job. You know what? Deemed career. इसका हमने club भी बनाया है school में. It's called media club and it's a big career ahead. What? News presenter. आपको बनना है news presenter for a day. आप बनेंगे news presenter, एक उठाएंगे news. पॉजिटिव नेगेटिव कोई भी न्यूज, और उसकी बाल की खाल निकाल के रख देंगे विद ऑल द डेटा पॉसिबल, विद ऑल द एस्पेक्ट पॉसिबल फ्रॉम एवरीवेयर पॉसिबल, एंड बी प्रेजेंटर, न्यूज प्रेजेंटर, राइट. न्यूज को प्रेजेंट करेंगे विद ऑल द कॉन्फिडेंस पॉसिबल एंड उसका वीडियो रिकॉर्ड करेंगे एंड पोस्ट कर देंगे. इफ नॉट इन इंग्लिश ग्रेड 3-5 तो क्या करेंगे. इफ यू वॉन्ट टू पार्टिसिपेट इन साइंस यू कैन पार्टिसिपेट इन साइंस. वॉट यू कैन टेक वन प्रोजेक्ट फ्रॉम योर क्लास, जो आपने पढ़ा है उस बढ़िया एक्सपेरिमेंट बनाएंगे और उसे एक ब्यूटीफुल से लर्निंग देंगे, उसका वीडियो बना के पोस्ट कर देंगे. सो 1-2 students के लिए क्या है, पोएम पोस्ट करना है उनको रिकॉर्ड करके विद ऑल द क्रिएटिविटी पॉसिबल. 3-5 वाले स्टूडेंट्स के लिए क्या है, दे कैन बी न्यूज प्रेजेंटर फॉर अ डे और दे कैन बिकम अ साइंटिस्ट फॉर अ डे. उनको एक्सपेरिमेंट करना है. नाउ लेट्स टॉक अबाउट 6-8. यू हैव गॉट 4 options. 6-9 के पास 3 options है एंड 6-8 के पास 4 options है. पहले बात कर लेते कौन सा 9th के पास option नहीं है. You don't have CCE with you. So 6-9 के लिए option CCE का है and इसका submission 20 November को नहीं है, 15th December को है, right? Now next is what? English में it's a beautiful thing. Again I'll say it's a big career ahead. What vloggers? अब आपको vlogging नहीं पता है, Google पे जाके search करिए, YouTube पे जाके search करिए. Vlogging क्या होता है? You have to become vlogger for a day. English में, if you want to participate in English and if you want to participate in science, then again practical for a day. कोई भी experiment ले लेंगे, you must be presenting that. लेकिन ऐसे present करिएगा कि आपका scientist भी आपसे छोटा लगे, right?
इतने एंगल से उसको प्रेजेंट करिएगा. एंड थर्ड थिंग व्हाट यू कैन डू इज क्विज, जीके क्विज, राइट. सो इन नटशेल, ग्रेड 1 और 2 के बच्चे पोएम में पार्टिसिपेट कर सकते हैं. पोएम चाहे इंग्लिश की हो, हिंदी को एक वीडियो बनाना है, पोस्ट कर देना है. ग्रेड 3 से 5 के बच्चों को 2 मौका मिलते हैं. एक इंग्लिश में दे कैन बिकम अ प्रेजेंटर, और साइंस में दे कैन बिकम अ साइंटिस्ट, और वो दोनों में भी पार्ट कर सकते हैं. 6 से 8 वाले बच्चों को 4 ऑप्शंस मिलते हैं, व्लॉगर, साइंटिस्ट या फिर जीके मास्टर, जीके क्विज. एंड फोर्थ ऑप्शन इज व्हाट, सीसीई में दे कैन बिकम अ कोडर. एंड 9th वालों को एक ऑप्शन कब मिलता है, सीसीई का. नाउ यू थिंक अबाउट, ये भी हो सकता है कि जब हम बैंगलोर या दिल्ली में फाइनल्स में पहुंचे, देन 6 के एक कैटेगरी में हमारा बच्चा है, 2nd कैटेगरी में हमारा बच्चा है, 3rd कैटेगरी में हमारा बच्चा है. यू कैन पार्टिसिपेट इन ऑल, और सारी कैटेगरी में आप प्राइज लेकर के आ सकते हैं. थिंक अबाउट दैट सिचुएशन कि आप 3 कॉम्पिटिशंस को विन करके वापस आ रहे हैं. एंड दिस इज नॉट द थिंग, मैं आपको कोई सपना नहीं दिखा रहा हूं, ये आपके अंदर कैपेबिलिटी है, यू कैन डू इट. सो लग जाइए अभी से, टॉक टू योर टीचर, टॉक टू योर पेरेंट कि मुझे क्या बनाना है, और जो बनाना है थिंक अबाउट इट, और इतना क्रिएटिव बनाना है कि जो भी देखे उसके मुंह से निकले वाह ताज, क्या बात है, क्या बनाया है बच्चों ने. सो इसी आशा के साथ कि आपका पार्टिसिपेशन इज गोइंग टू बी द बेस्ट इन द कंट्री, इस पार्टिसिपेशन के लिए आप सभी को एडवांस में कॉन्ग्रेचुलेशंस. जल्दी जल्दी से पार्टिसिपेशन करिए. और हाँ, कैसे करना है, मैंने इसके नीचे लिंक दिया हुआ है. 2 तरीके से पार्टिसिपेट करते हैं. एक, आप अपनी ऐप पे जाएंगे, वहीं पर जाके सबमिट का बटन आएगा, वहीं पर जाके वीडियो को सबमिट कर सकते हैं. दूसरा, मैंने इसके नीचे लिंक भी दिया है, उसमें सारी डिटेल्स हैं, देख लीजिएगा, समझ लीजिएगा, आपके टीचर से पूछ लीजिएगा. एंड लास्ट बट नॉट द लीस्ट, कुछ चीजों का ध्यान रखिएगा. कैमरा एंगल आपको पता है, लाइट्स आपको पता है, साउंड आपको पता है, एंड होल इकोसिस्टम कैसा होना चाहिए, दैट यू नो. किसी भी चीज में मेरी मदद की जरूरत हो, अपने टीचर की मदद की जरूरत हो, मांग लीजिएगा, और हम सब मिलके जीत के वापस आएंगे. थैंक यू सो मच, हैव अ ग्रेट डे अहेड.